नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। होली के पहले पटना वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। बिहार पुलिस की फिजिकल परीक्षा आज से होगी शुरू। बिहार सरकार के फैसले के बाद इन पंचायतों के मुखिया नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हट बनाने की शुरू हुई तैयारी। अब खबरें विस्तार से। बिहार दिवस का है गौरवशाली इतिहास। 22 मार्च 1912 का वो दिन था जब बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य अस्तित्व में आया था। बिहार अपने गौरवशाली अतीत और महान संस्कृति के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। जब बात रामायण महाभारत से लेकर हर युग हर दौर की होती है तब बिहार का जिक्र जरूर होता है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट भी बिहार से ही थे। बिहार के इतिहास को खंगाले तो पूरे देश के इतिहास का ज्यादातर हिस्सा आपको बिहार में जरूर सम्मिलित मिलेगा। वहीं बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL ने निकाली रिक्त। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड UPCL ने 105 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री में स्नातक, अधिकारी के लिए CA ICWA MBA, लो अधिकारी के लिए कानून में स्नातक की डिग्री, पर्सनल ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए PG या समकक्ष के साथ इंजीनियरिंग डिग्री का होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.upcl.org पर जाकर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। रेलवे के कचरों से अब बनाया जाएगा सजावट का सामान। रेलवे के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। बड़ा संस्थान होने के कारण ही रेलवे से निकलने वाला कचरा भी बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, जिससे अब तक कई ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए कमाने का काम किया है। हालांकि अब रेलवे ने खुद ही अपने स्क्रैप को कुछ अलग अंदाज में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत पूर्व मध्य रेल की तरफ से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रेलवे के स्क्रैप का उपयोग सौंदर्यीकरण में उपयोग किया जा सकता है। रेलवे का स्क्रैप का इस्तेमाल कर दफ्तरों में गमला, सैनिटाइजर, मशीन, मास्क आदि बनाने के काम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब रेलवे बुनियादी संरचना पर भी खास ध्यान देने की पहल में जुट गया है। होली के मौके पर अब आसानी से कर सकेंगे खादी के कपड़ों की खरीदारी। होली का त्यौहार अब बस आने ही वाला है। इतना ही नहीं, होली के त्यौहार में कपड़ों की भी खूब खरीदारी की जाती है। इसी क्रम में अगर आप भी होली के मौके पर कुछ खादी के मटेरियल को खरीदने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि खादी के कपड़ों पर 30% की छूट ग्राहकों को मिल रही है। इसकी शुरुआत रविवार से की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि खादी के कपड़ों पर डिस्काउंट का ऐलान बिहार दिवस और होली को ध्यान में रखकर किया गया है। हालांकि सरकार को इससे उम्मीद है कि लोग इस ऑफर से आकर्षित होंगे और इस बार खादी की खरीदारी में वृद्धि दर्ज की जाएगी। होली पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। होली में घर आने जाने वालों की संख्या काफी ज्यादा तादाद में देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही यात्रियों को कोई परेशानी ना हो इस बात का खास ख्याल रखते हुए रेलवे ने होली के मौके पर यात्रियों के लिए 3 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। रेलवे की तरफ से अतिरिक्त सुविधा के तहत कोलकाता नंगल डैम, इसके साथ ही कोलकाता लखनऊ एवं आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या आनंद विहार सहित 3 जोड़ी अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। इसमें सभी को आरक्षित ट्रेनी के ट्रेन होंगे और इन ट्रेनों का पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर, पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, धनबाद पर ठहराव होगा। इसके साथ ही सभी ट्रेनों में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। बिहार पुलिस की फिजिकल परीक्षा आज से होगी शुरू। बिहार पुलिस में दरोगा परीक्षा यानी कि सार्जेंट, सहायक अधीक्षक, कारा यानी कि असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल, भूतपूर्व सैनिक के 2446 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। इन पदों के लिए फिजिकल टेस्ट आज से शुरू होने वाला है। पटना हाई स्कूल स्टेडियम में फिजिकल टेस्ट का आयोजन करवाया जाएगा और 1 महीने तक जारी रहेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस में दरोगा सहित दूसरे पद के लिए अगस्त 2019 में विज्ञापन निकाले गए थे। प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के बाद अब फिजिकल टेस्ट की बारी है। बिहार में सीमेंट की कीमतों के कारण घर बनाने में हो रही हैं मुश्किलें। देशभर में 40% सीमेंट की सप्लाई छत्तीसगढ़ से की जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ की एक दर्जन कंपनियों से बिहार में सीमेंट की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले 2 सप्ताह के आंकड़ों को देखें तो सीमेंट की सप्लाई पूरी तरीके से बंद है। यही कारण है कि बिहार में सीमेंट 50 रुपये प्रति बैग महंगा हो गया है। कारोबारियों की माने तो देश भर में 40% सीमेंट की सप्लाई अकेले छत्तीसगढ़ से होती है, लेकिन वहां पिछले 20 दिनों से ट्रक मालिकों की हड़ताल के कारण बिहार में भी सीमेंट की किल्लत देखने को मिल रही है। इसका खामियाजा अब आम नागरिकों भुगतना पड़ रहा है, जिसके कारण आम लोगों के मकान निर्माण का कार्य पूरी तरीके से प्रभावित है। इसके साथ ही बिल्डरों के साथ साथ सरकारी प्रोजेक्ट का काम भी प्रभावित है।
बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हट बनाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम हट बनाने को लेकर बिहार सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत नालंदा के हरनौत से कर दी गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के पोषाहार में होगा और 30 तरह के व्यंजन बनाए जा सकेंगे। मशरूम हट के निर्माण के लिए सभी CDPO को हाल ही में सरकार की तरफ से पत्र भेजा गया था, जिसके बाद जहां आंगनबाड़ी की अपनी जमीन होगी या किराए के मकान में मशरूम हट बनाने के लिए जगह होगी, वहां पर इसका निर्माण कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से करवाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस हट के निर्माण में यह भी ध्यान दिया जाएगा कि मौसम के बदलाव का असर कम से कम पड़े। बिहार सरकार के फैसले के बाद इन पंचायतों के मुखिया नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर अभी तक संशय की स्थिति बरकरार है। राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के बीच में EVM की खरीदारी को लेकर मामला अभी भी अटका पड़ा है। इसी बीच अब हाल ही में पंचायत के मुखिया पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सरकार ने पहले नल जल योजना में लापरवाही बरतने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने अब तक एक और सख्ती लागू कर दी है, जिसके तहत 31 मार्च तक ड्यूटी का निर्वहन नहीं करने वाले मुखिया भी इस बार पंचायत चुनाव से वंचित रह जाएंगे। इसके साथ ही 30 मार्च तक अपने पंचायत में हुए कार्यों का ऑडिट नहीं करवाने वाले, पंचायत राज व्यवस्था में यह प्रावधान है कि समय पर ऑडिट करवाने का काम किया जाए, ऐसा नहीं करवाने वाले मुखियाओं को भी पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा। खेसारी लाल यादव और अक्षरा के प्रोग्राम में दिखा भारी बवाल। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के प्रोग्राम में भारी बवाल देखने को मिला। भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और हीरो खेसारी लाल यादव और अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में जबरदस्त हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने जबरदस्त बवाल किया। सड़क जाम और आगजनी की खबरें भी सामने आई है। इतना ही नहीं, पटना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को हालांकि किसी भी तरीके से कंट्रोल कर लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हवाक्या राजधानी पटना के फतवा थाना इलाके की है, जहां पर छपाक वाटर पार्क में आयोजित भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव और की सहयोगी अक्षरा सिंह के कार्यक्रम में भारी हंगामा बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने भी काफी बवाल काटा है। पटना के इस ग्राउंड को देखकर पूर्व क्रिकेटर डैनी मॉरिसन को आई इंग्लैंड के ग्राउंड की याद। बिहार में बिहार क्रिकेट लीग का आगाज हो गया है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को दिक्कत ना हो, इसके साथ साथ कई तरीके से मेंटोर भी मिले हैं, जिसके तहत ही लगातार मैच का आयोजन भी करवाया जा रहा है। जिसके साथ ही हाल ही में न्यूजीलैंड के गेंदबाज डैनी मॉरिसन ने खिलाड़ियों को बेहतर खेलने के टिप्स भी दिए। बिहार क्रिकेट लीग में शामिल होने आए न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डैनी मॉरिसन ने कहा है कि पटना काफी बदल गया है। उनकी तुलना मॉरिसन ने इंग्लैंड के लोगों से और अपने देश के क्राइस्टचर्च से की है। उनका कहना है कि ऊर्जा मैदान को देखकर इंग्लैंड के मशहूर लॉर्ड ग्राउंड की याद आ गई है और यह मैदान बहुत ही बेहतरीन है। इस अवसर पर उन्होंने बिहार क्रिकेट लीग की भी तारीफ की है। पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर भी चालू रहेगी मनरेगा की योजनाएं। पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत मनरेगा की योजनाओं पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके तहत आदर्श आचार संहिता होने के बाद मनरेगा की वैसी योजनाएं जारी रहेंगी जिनकी पहले से स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव के बाबत आदर्श आचार संहिता जारी कर दिया है, जो चुनाव की घोषणा के बाद प्रभावी हो जाएगा। इसमें कई योजनाओं पर रोक रहेगी और कुछ योजनाओं को जारी रखा जाएगा। जिन योजनाओं पर आचार संहिता लागू नहीं होगी वो जारी रहेगी। मनरेगा भी उसी दायरे में। निर्वाचन आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि मनरेगा के अंतर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। इसके साथ ही नेशनल हाईवे और राज्य के मुख्य पथों पर काम कराने में भी कोई पाबंदी नहीं होगी। विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल को लेकर स्पीकर ने दिया अपना बयान। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार विधानसभा में रचे गए इतिहास का जिक्र किया है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन गया के AP कॉलोनी स्थित अर्श सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करने के बाद अपना बयान जारी करते हुए कहा कि विधानसभा बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सभी सदस्य अपनी भूमिका अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। सरकार जनता के प्रश्नों का जवाब दे रही है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेही भी है। इसके साथ ही उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब विधानसभा का प्रश्नोत्तर काल एक भी स्थगित नहीं किया गया है। यह बिहार के लिए शुभ संकेत है। कोरोना के कारण स्थगित हुए छुट्टियों पर भड़की PMCH की नर्सें। दूसरे राज्यों में COVID-19 की स्थिति अनियंत्रित नजर आ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए ही बिहार में भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है और सरकार के इस फैसले से स्वास्थ्य कर्मचारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। होली से ठीक पहले रद्द की गई छुट्टियों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बीते दिन बिहार के सबसे बड़े अस्पताल PMCH के कार्यों का बहिष्कार कर दिया गया। सुबह से कामकाज ठप करके अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर जमकर हंगामा और नारेबाजी करते हुए नजर आई।
होली के पहले पटनावासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। होली के पहले ही पटनावासियों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है, जिसके तहत राजधानी पटना के आर ब्लॉक गोलंबर से जीपीओ गोलंबर को जोड़ने वाला फ्लाईओवर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है और 25 मार्च को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद करने वाले हैं। बिहार राज्य पुल निगम की तरफ से फ्लाईओवर का निर्माण करवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले चरण में आर ब्लॉक रोटरी और सप्तमूर्ति से वीरचंद पटेल तक का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका था। सितंबर 2020 में इस पर यातायात भी शुरू हो चुकी है। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। कांग्रेस ने नए विधायकों को दी पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी। कांग्रेस अब नए सिरे से काम करती नजर आ रही है। इसी क्रम में बिहार में भक्त चरणदास के कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद से पार्टी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। पिछले दिनों राज्यभर का दौरा करके दिल्ली लौटे भक्त चरणदास ने अपनी रिपोर्ट भी आलाकमान को समय से पहले सौंप दी थी, जिसके तहत कांग्रेस के कई नए विधायकों को पार्टी का प्रवक्ता बनाने का काम किया गया है। जिन लोगों के नाम प्रवक्ता की सूची में है उसमें राजेश राठौर, अमिता भूषण, आनंद शंकर, मुरारी गौतम, प्रतिमा दास, भावना झा, अमित कुमार, चुना पासवान के साथ ही आनंद माधव, डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद, कुंदन कृष्ण, जया मिश्रा, शुभम यादव और आशीष नाथ तिवारी का नाम शामिल है। गिरिराज सिंह ने की आदिवासियों द्वारा बनाई गई बोतलों को खरीदने की अपील। कोविड 19 के माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल मुहिम की शुरुआत की थी। इसी के तहत भाजपा के नेता गिरिराज सिंह ने भी बीते दिन आदिवासियों द्वारा बनाई गई बांस की बोतलों को खरीदने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आदिवासियों ने बांस के कई तरह की बोतलों का निर्माण किया है, जिसका अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आदिवासियों द्वारा बांस आधारित शीशे एवं स्टील की बोतल बनाई गई है। कुछ बोतल ऐसी भी बनाई गई है जिसमें हनी रखी जा सकती है। हनी समाप्त होने के बाद उसे पानी की बोतल के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर से किया इनकार। दूसरे राज्यों में कोविड 19 की स्थिति एक बार फिर से खराब होती नजर आ रही है। इसी क्रम में बिहार में भी कई लोग इस संशय में हैं कि शायद मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत पूर्णिया सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर लैब और ब्लड बैंक की शुरुआत करने के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बिहार में कोविड 19 का दूसरा फेज अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे राज्यों में कोविड 19 का दूसरा चरण आ चुका है। ऐसे में बिहार सरकार एहतियातन सभी जरूरी कदम उठा रही है। कोविड 19 की जांच बढ़ाने और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर जांच करने की व्यवस्था भी दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में विलय के निर्णय को बताया चुनौतीपूर्ण। हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पुरानी पार्टी जदयू के साथ वो वापस लौट आए हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के जदयू में विलय होने के बाद ही लगातार कयासों के बाजार भी और बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी था। वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ने खुद ही जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मैं पहले भी जदयू के साथ ही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ काफी लंबे समय तक रहकर सक्रिय राजनीति करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। इसके साथ ही वो जदयू के गठन के बाद लंबे समय तक संगठन को खड़ा करने में काफी मेहनत भी कर चुके हैं। आगे उन्होंने बताया कि हां, कुछ मनमुटाव के कारण जदयू और नीतीश कुमार से राजनीतिक रूप से दूरी बन गई, लेकिन व्यक्तिगत संबंध में उनसे हमेशा अच्छे रहे थे। 26 मार्च को किसानों की तरफ से बुलाए गए बंद का समर्थन करेंगे पप्पू यादव। कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं किसानों द्वारा बुलाए गए बंद को बिहार में पप्पू यादव की पार्टी ने समर्थन दिया है। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने इस बाबत अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के सभी प्रकोष्ठों और नेताओं और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं और इसके साथ ही काले कृषि कानून की प्रतियां जलाकर होलिका दहन करेंगे। कृषि कानून की जमकर आलोचना करते हुए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू वीर ने कहा है कि यह कानून खेती की तरफ अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला है। किसानों की आर्थिक कमर टूट जाएगी और वो गरीबी के दलदल में धंस जाएंगे, इसलिए हम किसानों के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं। रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार का किया घेरा। वेंटिलिया मामले और सचिन बाजू मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शिवसेना और एनसीपी पर निशाना साधा है, जिसके तहत पटना में आयोजित पीसी में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर अनगिनत सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आखिरकार सचिन बाजू को किसके दबाव में लाया गया, पूर्व कमिश्नर के पत्र के अनुसार उगाही किसके लिए हो रही थी। इस मामले में शरद पवार की खामोशी भी गंभीर सवाल को जन्म दे रही है। सचिन बाजू के मामले में शिवसेना मुख्यमंत्री और मंत्री और शरद पवार की भूमिका संदिग्ध है। जिम्मेदारों की सचिन बाजू को बचाने की क्या मजबूरी थी, बाजू के पेट में कौन कौन से सीक्रेट अभी भी मौजूद है, भाजपा की तरफ से कई सवाल है जिसका जवाब शिवसेना को देना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है।
राष्ट्रीय कैलेंडर को 1957 में आज ही के दिन स्वीकारा गया था। कोलकाता में साल 1964 में पुरानी कारों की पहली रैली विंटेज कार रैली आयोजित हुई थी। इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 1969 में उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1977 में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा आज के दिन दिया था। 1882 में उर्दू के प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक मुंशी दया नारायण निगम का जन्म आज के दिन हुआ। 1971 में स्वतंत्रता सेनानी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। व्हाट्सएप के डाउन होते ही सिग्नल ऐप यूजर की बढ़ी संख्या। बीते कुछ दिनों से व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पूरी तरीके से डाउन होने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन व्हाट्सएप में मुश्किल आई तो इस मौके का सबसे सही फायदा उठाया सिग्नल ऐप ने। सिग्नल ऐप ने लोगों का ध्यान उस समय खींचा था जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी में बदलाव को लेकर विवाद शुरू हुआ था। तब से ही सिग्नल व्हाट्सएप का प्रतिद्वंदी बना हुआ है। अब सिग्नल ने दावा किया है कि रविवार और शनिवार की रात व्हाट्सएप के डाउन होने के बाद उसके रजिस्ट्रेशन में तेजी से उछाल आया है। सिग्नल ने ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर 56 रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिग्नल ने इसे व्हाट्सएप का बुरा समय कहा है और नए यूजर का स्वागत किया है। शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज का डांस वीडियो किया शेयर। बॉलीवुड अभिनेता हरमन बावेजा और साशा रामचंदानी की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। इन रस्मों में शामिल मेहमानों के कई वीडियोज और तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। वहीं हाल ही में हरमन बावेजा की संगीत सेरेमनी में राज कुंद्रा का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मस्ती भरे अंदाज में भांगड़ा करते नजर आ रहे हैं। राज का ये वीडियो एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर खुद शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए शिल्पा ने अपने पति की जमकर तारीफ की है। शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उनके पति राज कुंद्रा फ्लोर शेरवानी और ऑरेंज सूट पहने नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 45 और असम में 50 को जदयू ने दिया सिंबल। पश्चिम बंगाल और असम चुनाव के लिए जदयू ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस क्रम में अब बीते दिन जदयू की तरफ से पश्चिम बंगाल में 45 तो असम में 50 प्रत्याशियों को उतारा गया है। इसके साथ ही इन दोनों राज्यों में जदयू ने अपने प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चौथे चरण से आखिरी चरण तक जदयू के प्रत्याशी मैदान में देखने को मिलने वाले हैं। पहले चरण में 5 प्रत्याशियों को पार्टी के सिंबल जरूर दिए गए थे और उनमें से 4 के नामांकन रद्द हो गए। नामांकन पत्र भरने में त्रुटि की वजह से ही ऐसा देखने को मिला है। हालांकि इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका कितनी होगी, ये फिलहाल तय नहीं हो पाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम मांझी, शाहब आलम, गौतम पंडित, रंजीत मेहता, रानी कुमारी, सोनू सम्राज ऑफिशियल, मुकेश कुमार पासवान, पवन कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, विकी कुमार, मानवी कुमारी, जानवी सिंह, ममता कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं। हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।